आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर के गुलावटी के गांव भमरा में प्रेमी संग लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ज्योति की मौत में उस समय नया मोड़ आया जब मां लता देवी ने ज्योति के प्रेमी आदिल पर हत्या कर लाश दफनाने का आरोप लगाया। आपको बता दें, ज्योति पिछले 2 सालों से अपने पति का घर छोड़कर आदिल के साथ रह रही थी। आदिल ने ज्योति के घर वालों को कॉल करके करंट से मौत होना बताया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता की युवक के साथ निवास करती है एवं दिनांक 23 सितंबर 2024 को उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है एवं बिना पोस्टमार्टम किए हुए दफीना हो गया है। मृत्यु का सही कारण जानने हेतु वह पोस्टमार्टम कराना चाहती है। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लाश को कब्र से निकाला व पोस्टमार्टम करा जांच शुरू की। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में एवं उपजिलाधिकारी सदर की मौजूदगी में आज बॉडी एक्ज्यूम की गई एवं बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। प्राथमिक जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त महिला लगभग 2 वर्ष से आदिल के साथ गांव में निवास कर रही थी एवं जांच उपरांत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।